वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग जियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रॉक्स। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, रॉक्स आपको पता है क्या होता है, सॉलिड मास होता है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मतलब कि उससे बना होता है, मिनरल्स के कंस्टिट्यूएंट्स या फिर एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स है, वो सब आपको पता है, वो आप पढ़ते आ रहे हो 10th तक। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में आते हो तो थोड़ा सा डीपली चले जाते हो। तो आपको पता है तीन तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स, अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, तो आप एंड तक देखते रहना वीडियो। तो देखो, इग्नियस रॉक्स आर दोज विच आर फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन मॉल्टन रॉक मटीरियल कॉल्ड मैग्मा। तो कहते हैं कि जो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, हमारे कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, मतलब कि जो हमारे कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन मॉल्टन रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। तो मैग्मा जो हमारा होता है ना रॉक मटेरियल, उसको जब हम मॉल्टन रॉक मटेरियल होता है ना, वो सूख जाता है, जब ठंडा हो जाता है, तो उससे हमारा जो रॉक बनता है ना, वो हमारा इग्नियस रॉक्स होता है। सिंस दिस रॉक्स वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। तो ये इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ना, वो प्राइमरी रॉक्स भी कहलाए जाते हैं। क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि वो सबसे पहले बनते हैं। दीज रॉक्स आर जनरली मैसिव, हार्ड एंड टफ इन नेचर एंड दस मेक गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन। तो एक हमारे बिल्डिंग स्टोन में बहुत हेल्प करते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स। द सोर्स मटीरियल मैग्मा इज चीफली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक, तो जिससे बनता है हमारे इग्नियस रॉक्स क्या होता है, हमारा मॉल्टन रॉक मटीरियल कॉल्ड मैग्मा, वो उसमें क्या क्या हमारे मिनरल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं, लाइक ऑक्सीजन ओ, SI हमारे सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम। द इग्नियस रॉक्स आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स। तो जो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, वो दो कैटेगरीज में हमारे डिवाइड करे जाते हैं, किस किस में, एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स। तो आप इसमें इमेज भी देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स की, आपको पता चल जाएगा। देखो, कहीं कहीं शाइनी है ना, ये हमारा शाइनी से, कहीं कहीं पूरा अच्छे से क्रिस्टलाइज भी बने हुए हैं, जैसे ये आप देख सकते हो क्रिस्टलाइज। तो हम इसमें ही पढ़ेंगे वो क्या होता है, एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स। तो देखो, एक तरह का ना, सबसे पहले मैं बता दूं, इंडेक्स बता रहा हूँ आपको क्या चीज है इसमें। देखो, पार्ट वन, ये पांच पार्ट्स में आएगी आपके वीडियो इग्नियस रॉक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में कोई छोटा सा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा है रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, सारे आएंगे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पांच पार्ट बनेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पार्ट में होगा आपका मोड ऑफ अकरेंस, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट में पार्ट थ्री में मोड ऑफ फॉर्मेशन, फोर्थ में हमारा टेक्सचर्स एंड फिफ्थ में हमारा इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स। तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इस सारे पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो देखो, अब आता है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स। तो देखो, एक्सट्रूसिव रॉक्स हमारा क्या होता है, व्हेन द मैग्मेटिक मटेरियल कम्स आउट ओवर द ग्राउंड सरफेस एंड कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, एज सीन इन द केस ऑफ एक्टिव वोल्केनोस, द रिजल्टिंग रॉक्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रूसिव रॉक्स का वो मटीरियल होता है, मतलब कि वो एक हमारा रॉक्स होते हैं, जो कि जब ना हमारा मैग्मेटिक मटेरियल ना सिंपल हमारा ग्राउंड के ऊपर होता है, तब वहां पे हमारा जब कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो जो रॉक बनते हैं ना, उन्हें हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। तो वही कहते हैं कि एक्टिव वोल्केनो, जैसे वोल्केनो, जैसे हमारा ये ऐसे कोई एक वोल्केनो हो गया ये, तो इससे जो हमारा लावा, सारा मैग्मेटिक मटेरियल जो भी हमारा निकलता है ना, वो ऊपर ही रहता है ना ग्राउंड के, ऐसे ऊपर रहता है ग्राउंड के, तो वो सूख जाता है। तो वो जो हमारा ऊपर सूख जाके जो हमारा रॉक बनता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। बिकॉज ऑफ द रैपिड कूलिंग, क्रिस्टलाइजेशन इज इनकम्प्लीट और एब्सेंट। तो ये कि अगर वो ऊपर है तो मतलब एयर के कॉन्टेक्ट में, कहीं ठंड होगी, कहीं गर्मी होगी, उससे भी सूख जाता है जल्दी, तो उससे हमारा क्या होता है, देखो रैपिड कूलिंग होती है, उससे क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज इनकम्प्लीट और एब्सेंट, तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाती। एज ए रिजल्ट दीज रॉक्स आर इधर फाइन ग्रेन और जस्ट एन अमॉर्फस ग्लासी सब्सटेंस। तो एक ग्लासी सब्सटेंस की तरह बन जाता है, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन आप इसके एग्जाम्पल देख लो, बसाल्ट, ऑब्सीडियन एंड प्यूमिस आर सम कॉमन रॉक्स ऑफ दिस टाइप। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स आपको मैंने बता दिया इसकी क्या पहचान होती है, सिर्फ एक शाइनी मटेरियल होता है, शाइनी या फिर फाइन ग्रेन होता है, कैसे अभी मैं आपको दिखाया था एक्सट्रूसिव। ये देखिए ऑब्सीडियन मैंने आपको भी बोला था ना, देखो कितना शाइनी सा है ना, ये कितना शाइनी है। बसाल्ट देख लो आप कितना शाइनी है, ये भी कितना शाइनी है, प्यूमिस भी कितना शाइनी है, रायोलाइट हो गया, स्कोरिया हो गया, एंडेसाइट हो गया, ये सारे हमारे एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं, जो कि हमारे कम शाइन, मतलब सॉरी ज्यादा शाइनी होते हैं, ठीक है, फाइन ग्रेन होते हैं। तो ये हमारे सारे एक्सट्रूसिव रॉक्स के अंडर आते हैं। अब आता है हमारे इंट्रूसिव रॉक्स, ये जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। देखो, व्हेन द हॉट मैग्नेटिक मटेरियल कूल्स एंड सॉलिडिफाइज बीनीथ द ग्राउंड सरफेस, मतलब मैंने कहा था ना आपको, ये ऊपर को होता है, जो हमारा इंट्रूसिव रॉक्स होता है ना, वो हमारे नीचे को सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, ग्राउंड के, द रिजल्टिंग रॉक्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। कूलिंग इज ग्रेजुअल इन सच केसेस अलाउंग सफिशियंट टाइम फॉर क्रिस्टलाइजेशन टू टेक प्लेस। तो वो ये कि ऊपर होता है, तो मैंने आपको कहा था कि एयर कॉन्टेक्ट में आ जाएगा या फिर गर्मी के कारण, सर्दी के कारण जल्दी वो सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन जो हमारी इंट्रूसिव रॉक्स में हमारी कूलिंग आती है ना, वो थोड़ी आराम आराम से होती है, तो उससे हमारी क्रिस्टलाइजेशन आराम से बन जाती है, तो क्रिस्टलाइजेशन टू टेक प्लेस। द डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेरीज डिपेंडिंग मेनली अपॉन डेप्थ, तो डेप्थ पे डिपेंड करता है क्रिस्टलाइजेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, हम एक एक चीज बारीकी सब पढ़ेंगे।
एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर जनरली मीडियम टू कोर्स ग्रेन, तो वो ये कि मीडियम से कोर्स ग्रेन हो जाएंगे लेकिन फाइन होंगे, फाइन नहीं होंगे, फाइन होंगे तो वो एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, इंट्रूसिव हमारे मीडियम से लेकर कोर्स ग्रेन तक हो जाएंगे। ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, साइनाइट, डोलराइट एंड गैब्रो आर सम कॉमन रॉक्स ऑफ दिस टाइप। तो ये सारे हमारे नाम से सारे हम पढ़ेंगे, ये सारे जो आप नाम है ना यहाँ पे अभी भी आप नोट कर लोगे ना अपनी कोई भी नोटबुक में, तो देखना जब फिफ्थ पार्ट में इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स करवाऊंगा उसमें सारे कवर कर दूंगा। तो देखो अब आप देख सकते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, देखो पेगमाटाइट हमारा, देखो कितना आराम से क्रिस्टलाइजेशन, कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब शाइनी नहीं है, देखो शाइनी ऐसा होता है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन पे आपको थोड़ा सा ग्लॉसी से लुक आता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन क्रिस्टलाइज पूरा अच्छे से है। तो ये आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइज अच्छे से हुआ है, ये देख सकते हैं ग्रेनाइट देख लो, गैब्रो देख लो, डायोराइट देख लो आप, ये अच्छे से क्रिस्टलाइज हो रखे हैं। तो इससे हमारा दो कैटेगरीज में हमारे इग्नियस रॉक्स डिवाइड होते हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स में। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो देखो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो एक दो फैक्टर्स पे हमारे क्लासिफाई होते हैं इग्नियस रॉक्स, तो हम वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट, बेस्ड ऑन डेप्थ एट विच मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। तो मैंने आपको कहा था नहीं सब पढ़ेंगे डेप्थ के अराउंड। तो अब देखो तो सबसे पहले हमारा आता है प्लूटोनिक रॉक्स। तो देखो प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है, व्हेन द मैग्मेटिक मटेरियल कूल्स एंड सॉलिडिफाइज एट वेरी ग्रेट डेप्थ, एट वेरी ग्रेट डेप्थ। याद रखना कि जो हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल वो ठंडा कब होता है, एट वेरी ग्रेट डेप्थ, मतलब बहुत नीचे जाके जब हमारा ठंडा होता है, द रिजल्टिंग रॉक्स आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स। तो प्लूटोनिक रॉक्स हमारे वही होते हैं जिनमें हमारे वेरी ग्रेट डेप्थ में हमारे मतलब कि बहुत ज्यादा नीचे ग्राउंड सर्फेस बहुत ज्यादा नीचे जाके हमारे ठंडा होता है हमारा मटीरियल। डेप्थ बींग ग्रेट द रेट ऑफ कूलिंग इज लो, तो वही है कि द रेट ऑफ कूलिंग इज लो हो जाएगी है ना, कि बहुत नीचे चलेगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इसमें कि देखो ऊपर है तो बड़ी जल्दी हो जाती है, ग्राउंड सर्फेस के नीचे जाता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन अब हम उसके भी अंडर और पढ़ रहे हैं डीप। तो उसमें आप कहते हैं कि जब डेप्थ बहुत ज्यादा नीचे होगी तो हमारा रेट ऑफ कूलिंग इज लो हो जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ज्यादा डेप्थ होगी तो हमारी रेट ऑफ कूलिंग लो हो जाएगी। ठीक है, मतलब डेप्थ हमारी ऊपर तो रेट ऑफ कूलिंग नीचे, एग्जाम्पल ग्रेनाइट, साइनाइट एंड गैब्रो। ठीक है ना, ये आपको अच्छे समझ आ गया। नेक्स्ट आता है देखो हाइपरबेसल रॉक्स। हाइपरबेसल रॉक्स देखो क्या होता है, व्हेन मैग्मेटिक मटेरियल कूल्स एंड सॉलिडिफाई एट मॉडरेट डेप्थ द रिजल्टिंग रॉक्स आर कॉल्ड हाइपरबेसल रॉक्स, द रेट ऑफ कूलिंग एट सच डेप्थ इज मॉडरेट। तो वो ये कि देखो इसमें सबसे ज्यादा डेप्थ आ जाएगी, ठीक है, प्लूटोनिक में, हाइपरबेसल में मॉडरेट सा आ जाएगा और वोल्केनिक में सबसे कम आ जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसे होता है, ये सारे मतलब हम एक एक करके फैक्टर पढ़ रहे हैं। देखो हाइपरबेसल तो आपको समझ आ गया ना, एक बीच बीच वाला सा फैक्टर है हमारा, मतलब बीच बीच वाला सा रॉक्स है हमारे जो हाइपरबेसल रॉक्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है देखो वोल्केनिक रॉक्स। तो वोल्केनिक रॉक्स क्या होता है, देखो वही वोल्केनिक रॉक्स मैंने इस तरह का ही आ जाएंगे वो। देखो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो जो हमारे फटाफट से हो जाते हैं, ठीक है, ठंडे सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो देखो वोल्केनिक रॉक्स क्या होता है, व्हेन द मैग्मेटिक मटेरियल कूल्स एंड सॉलिडिफाइज ओवर द ग्राउंड सरफेस, ओवर द ग्राउंड सरफेस ही होगा, द रिजल्टिंग रॉक्स आर कॉल्ड वोल्केनिक रॉक्स। देखो इन सच केसेस द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इज वेरी रैपिड। तो वही है कि मैंने कहा था इसमें डेप्थ ज्यादा है तो आराम से हो रहा है और इसमें डेप्थ कम है तो इसलिए कूलिंग बहुत जल्दी हो रही है। एग्जाम्पल बसाल्ट, रायोलाइट, डेसाइट, एंडेसाइट एंड प्यूमेस। तो ये मैंने आपको अच्छे सारा ये समझा दिया है हमारे बेस्ड ऑन डेप्थ एट विच मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। तो आप एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से आप इस पे प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब कि आराम से आप ये चीजें भी लिखोगे ना तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं एज ए एग्जाम पर्पज भी बनाता हूं सारी चीजें। नेक्स्ट है देखो बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। तो ये सारा ये देखो अब आता है हमारा सेकंड फैक्टर, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। तो देखो मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स आर ग्रुप्ड एज, तो चार तरह के ग्रुप होते हैं हमारे, कैसे सैलिक हो, तो सबसे पहले द सैलिक मीन्स इंक्लूड फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज। तो ये हमारे जो सैलिक मिनरल होते हैं ना उसके बीच में हमारे क्या आता है, फेल्सपर आता है और हमारा क्वार्ट्ज आता है। नेक्स्ट आता है देखो ये तो हमारा फर्स्ट था सैलिक, नेक्स्ट आता है फेमिक। फेमिक के अंदर फेमिक मिनरल्स इंक्लूड फेरो मैग्नीशियन मिनरल्स। तो फेरो मैग्नीशियन मिनरल्स मतलब कि इसमें आयरन भी होगा और मैग्नीशियम भी थोड़ा थोड़ा होगा, तो उससे हमारा फेमिक बन जाता है, फेमिक मिनरल। नेक्स्ट आता है देखो फेल्सिक। द फेल्सिक मिनरल्स इंक्लूड फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज। तो ये हमारा सेम इसमें फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज भी हमारे फेल्सिक में आता है। नेक्स्ट आता है देखो मैफिक। तो मैफिक में हमारा देखो क्या आता था, मैफिक मिनरल्स इंक्लूड फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो मतलब सैलिक और फेल्सिक भी सेम है और फेमिक और मैफिक। बस इसमें थोड़ा सा क्या होता है देखो, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सैलिक एंड फेमिक मिनरल्स आर यूज्ड एज अ चीफ क्राइटेरिया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो ये था कि सैलिक और जो हमारा फेमिक होता है वो ज्यादा मोस्टली हमारे यूज करे जाते हैं, ठीक है, मतलब वो ज्यादा हमारे नाम भी हमारा वो ज्यादा डलता है सैलिक एंड फेमिक, और यही हमारे चीफ क्राइटेरिया होता है, ठीक है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो देखो नेक्स्ट आता है टेबुलर क्लासिफिकेशन। देखो टेबुलर क्लासिफिकेशन पता है कि जो हमने सारा कुछ पढ़ा है ना उसका एक ही टेबुलर फॉर्म में आपको आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि अगर आप ये चीजें भी अगर आप कभी भूल जाओ, मतलब कि वैसे भूलने वाली कोई चीजें है नहीं, बहुत ही सिंपल है, अगर आप ये भूल भी जाओ तो आप ये टेबल से आराम से आप याद कर सकते हो। देखो कैसे, और देखो सबसे पहले आता है प्लूटोनिक रॉक्स आता है। देखो चीफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ये हमारे रॉक्स हो गए। देखो सबसे पहले आता है हमारा प्लूटोनिक रॉक। देखो इसमें क्या होता है, देखो हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, देखो ग्रेनाइट हमारा हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हमारा रॉक कौन सा रॉक होता है, एसिडिक रॉक हो जाता है और इसमें क्या है, क्वार्ट्स एंड फेल्सपर है, ठीक है, क्वार्ट्स एंड फेल्सपर है। तो ग्रेनाइट हो गया,
ठीक है, ग्रेनाइट, और इसमें जाओगे प्लूटोनिक रॉक्स में तो सिलिका परसेंटेज कितनी होगी उसकी, मोर देन 65% ग्रेनाइट की, ठीक है। और ये क्या होता है, लाइट कलर्ड रॉक्स नो एज लिक्योरिटिक रॉक्स, ठीक है। तो लाइट कलर रॉक्स भी होते हैं, ठीक है, इससे ऐसे पूरा ऐसे टेबुलर फॉर्म में आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लूटोनिक रॉक्स में आता है साइनाइट। साइनाइट देखोगे सिंपल इंटरमीडिएट रॉक होता है, ये किससे बना होता है, फेल्सपर से होता है मोस्टली बना हुआ, मतलब ज्यादातर कॉम्पोजिशन उसमें फेल्सपर की होगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे देखो क्या आता है, सिलिका परसेंटेज 50-65% के बीच में जो कलर इसका वही होगा, लाइट कलर रॉक्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे ऐसे बढ़ते हुए सारी हमारे टेबुलर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये हमारे पूरा क्लासिफिकेशन को सम अप करता है, ठीक है। ये हमारा पूरा आज का वीडियो था, आज का टॉपिक था इग्नियस रॉक्स। तो आपको पता है पांच पार्ट इसके होंगे, एक पार्ट ही मैंने कर लिया, नेक्स्ट पार्ट के लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे मैं एक साथ ही अपलोड कर दूंगा सिर्फ इग्नियस रॉक्स के, ठीक है। तीन चार दिन के बाद मैं अपने सेडिमेंट्री करूंगा, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा टाइम मिलता रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल सिविन साइड को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।